सबसे पहले हम जो है वो हम पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो हम बात कर रहे हैं पॉली इथीन की। ठीक है, पॉली इथीन क्या होता है? जब आपके पास इथीन का कंपाउंड होता है और इसकी आपने पॉलीमराइजेशन करवानी होती है तो हम ये कहते हैं सी सी, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, एच 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 और एच, और इसका हम ऐसे भी रखते हैं सी लिखना नहीं जी। तो हम ये इसका पॉलीइथीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, और ये नंबर थ्री है। तो हम कहते हैं कि इस पॉलीइथीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है? वो स्ट्रक्चर नंबर वन है, वो स्ट्रक्चर नंबर टू है। ठीक है ठीक है, रिपीटिंग यूनिट कौन सा है बता सकते हैं? रिपीटिंग यूनिट जो है वो उसका, अगर आप थ्री रिपीटिंग यूनिट्स बनानी है तो आप नंबर वन बना दो, और अगर एक रिपीटिंग यूनिट बनाना है तो नंबर थ्री बना दो। ठीक है, सो ये आपने बनाना है। ठीक है, सो इसको भी आप देख लीजिए। पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर ये, ठीक है वही चीज है आपने जो पॉली इथीन में बनाई, ठीक है सिंपल वही चीज। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपका, आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे सी एच थ्री ऊपर था, यहाँ पे हमने नीचे क्यों कर दिया और यहाँ पे भी ऊपर कर दिया? बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके पास कंपाउंड है अगर सी सी एच थ्री एच 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 सी एच थ्री यहाँ पे लगाओ, देख सी एच यहाँ पे लगाओ, ये यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क होगा? यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कोई फर्क होगा? कोई फर्क, ठीक है इसकी नेमिंग करें अगर आप, तब भी आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं होगा। तो इसका टेंशन आने के सी एच ऊपर लगाया नीचे लगाया, ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये ठीक है, अब बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन को तो हम देखते रहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को देखते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल एजी वाटर और एचसीएल इन द रिएक्शन बिटवीन मोनोमर। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हम कौन से रिएक्शन देख रहे होंगे? इसमें हम टेरिलीन बनाएंगे, हम नायलॉन बनाएंगे, प्रोपीन भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम बना रहे होंगे। सो मैं इसके खुद मैं ड्रॉ करूँ तो मैं सीधा सीधा आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, आप स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो ये है आपके पास दो मोनोमर्स थे, एक सेकंड अच्छा, आपके पास दो मोनोमर्स थे बेंजीन 1,4-डाइकार्बोफ्लुरीथेन, तो एक ये बेंजीन 1,4-डाइकार्बोफ्लुरिक एसिड और ये इथेन 1,2-डायोल। बेंजीन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि आपको स्ट्रक्चर में कोई बेंजीन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो बेंजीन बेटा। अब हमने जो बात की थी कि हमने डब्बों को खोलना है, अब हम इन डब्बों को खोल दें तो बेंजीन आ गया। ठीक है, बेंजीन आपने देख लिया, तो ये आपके पास बेंजीन आ गया। उधर वाला जो डब्बा था इथेन 1,2-डायोल में CH2 CH2 था, और आपने जब दोनों को कंबाइन किया तो एक ये स्टेरिन का कंपाउंड बन गया, और ये जो आपके पास बना है ये इसका रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, ठीक है, और ये आपके पास नीचे मैंने टू रिपीटिंग यूनिट्स भी बना। ठीक है, समझ आ गई। टेरिलीन जो है उसके अंदर एस्टर बॉन्ड है, लिंकेज क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ है, और इट इज देयरफॉर कॉल्ड पॉलीएस्टर।
अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं नायलॉन के स्ट्रक्चर की। तो नायलॉन का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो कुछ इस तरह का था कि ओ लेवल्स में हमने देखा था एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ एक डब्बा था, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच था, ठीक है, और एच एन एच फिर डब्बा फिर एन एच फिर एच, ठीक है, ये ओ लेवल्स में हमने देखा था। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने खोलना है, ठीक है, डब्बों को खोलना है। तो डब्बों को जब हम खोलते हैं तो ये चीज जो है वो हमारे पास बनती है, ठीक है, डब्बों को हमने खोल दिया, ठीक है, और हमने देखा कि जो नायलॉन का स्ट्रक्चर था उसमें जो डब्बा था वो 4 CH2 थे, ठीक है, और इसमें 6 CH2 थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CH2 ब्रैकेट 6 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे CH2 लिखना शुरू करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा और एक से बाहर जा रहा था, तो मैंने नहीं लिखा, मैंने ब्रैकेट डाल के 6 लिख लिया, ठीक है। सो हमने फिर ये बात कर दी कि ये जो है ये इसका रिपीटिंग यूनिट है नायलॉन का, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिख लिया हमने, और ये जो है ये इसके 2 रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। ठीक हो गया, अच्छा लिख लें, अगर मैं आपको टाइम देता हूँ लिख लें आप इसे इसको। उसके बाद ये लिख लें अंग्रेजी, आपने नोट की होगी एक चीज के नायलॉन जो है उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच लिंकेज है, ठीक है, ये एन, ठीक है, ये वाली लिंकेज है, इसको क्या कहते हैं, अमाइड लिंकेज, ठीक है। हेंस यही वजह है कि नायलॉन जो है उसको हम पॉली अमाइड भी कहते हैं, ठीक है, अमाइड लिंकेजेस हैं और एक पॉलीमर है, ठीक है।